देखने को मिला है। सर्दी का मौसम और सर्दी के मौसम में लगातार मुंबई में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही कमला मिल्स कंपाउंड के पास एक बिल्डिंग में आग लगी थी, लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया था। इस वक्त खबर पेंट कंपनी में आग लगी है, मुंबई से भिवंडी में पेंट कंपनी में आग लगी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सटे भिवंडी के कोरगांव सरवली एमआईडीसी इलाके में ये भीषण आग लगी है। वहां पर आग लगने की ये पूरी खबर वहां से सामने आई है। सुबह 6 बजे के आसपास ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की फिलहाल वहां पर कोशिश चल रही है। एमआईडीसी के उजागर डाइंग में वहां पर भीषण आग लगी है इस कंपनी में, और देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से आग की लपटें बाहर निकल रही हैं। सरवली के एमआईडीसी उजागर डाइंग में भीषण आग, और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, अपडेट दीजिए, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति, आग पर काबू पा लिया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, और लग रहा है जिस हिसाब से पेंट कंपनी में आग लगी है, और लगता नहीं कि आग पर जल्द काबू पाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 दिन पहले जब मुंबई भिवंडी में आग लगी थी एक प्लास्टिक गोडाउन में, जहां पर करीबन 16-17 घंटे तक आग पर काबू पाया, लगातार प्रयास चल रहा था। वही हालत मुझे लग रहा है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई है, और आग पर काबू अभी तक हालांकि नहीं पाया गया है, क्योंकि पेंट कंपनी है इसलिए आग लगातार फैलती जा रही है। जी हाँ, पेंट में केमिकल होने के चलते आग ज्यादा भड़क रही है, क्या ऐसा अंदेशा है फायर ब्रिगेड का? बिल्कुल राजू, यही वजह है कि पेंट कंपनी का जो गोडाउन है उसकी वजह से जो आग लगातार भड़क रही है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाया जाना इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन हाँ लगातार प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। लेकिन एक दूसरी अच्छी खबर है कि इसमें कोई फंसा हुआ नहीं, जो अब तक जानकारी मिली है, इसलिए कोई इसमें अब तक कैजुअलिटी या कोई गंभीर रूप से घायल अब तक जानकारी नहीं मिली है। चूंकि गोडाउन था, इससे गोडाउन मोस्टली लगभग बंद रहता है, वहाँ पे वर्कर्स काफी कम होते हैं जो जानकारी अब तक मिली है, तो कोई इसमें अब तक फंसा नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाने का लगा। लेकिन अभिषेक, एक सवाल तो यह है कि भिवंडी का जो पूरा इलाका है वहां पर लगातार आग लगने का सिलसिला पिछले अगर 1-2 महीने में देखें ताबड़तोड़ तरीके से आग लगी है। इस महीने की शुरुआत में आग लगी थी, फिर उसके बाद भिवंडी का कालवार में जो गोदाम है, जयराज कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, करीब 18 गोदामों में एक साथ आग लगी थी, तो इस पूरे भिवंडी इलाके में वजह क्या है इतनी तेजी से आग लगने के, जो सिलसिला में रुकने का नाम नहीं ले रहा? बिल्कुल, भिवंडी में तमाम ऐसे बड़े बड़े कंपनी के गोडाउन है, और उस जगहों पर चाहे प्लास्टिक की बात करें, चाहे कपड़े की बात करें, चाहे केमिकल फैक्ट्रीज की बात करें, तमाम वहां पे गोडाउन है। और सबसे खास बात आग लगने की देखिए यही है कि जो फायर कंप्लायंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो फॉलो सही से नहीं किए जा रहे हैं। आग चाहे मुंबई में भिवंडी की बात करें, हर जगहों पर आग लगती जा रही है, इस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए हैं, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसको अगर सही से पालन किया जाए तो शायद इस तरीके से आग ना लगे, और तमाम जो नुकसान हो, चाहे जानमाल का नुकसान हो, चाहे तमाम नुकसान हो, वह शायद ना हो। लेकिन ये आए दिन हम देख रहे हैं कि आग मुंबई के आसपास मुंबई में लग रही है, और तमाम नुकसान होते जा रहे हैं, और लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी।